इस साइड जाएंगे तो शिवरी नारायण है, इस साइड जाएंगे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है रायपुर 200 देवांगन। देवांगन में काफ़ी सारे होटल देखने को मिल रहे हैं और ये सीधा सीधा लेके जाती है शिवरी नारायण यहाँ। अरे वाह, एक से एक दुकान है भाई, यहाँ पे राशन की दुकान है। देखो गुरु घासीदास पुष्प वाटिका लिखा हुआ है। मटर, आलू, प्याज, करेला, बहुत प्यारा सा। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोड पे, फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो आज मैं आप लोगों को सारंगढ़ शहर दिखलाने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे भाई बहन रिक्वेस्ट कर रहे थे, जब मैं माँ चंद्रासनी का दर्शन करने के लिए गया हुआ था तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सारंगढ़ अब जिला बन चुका है तो सारंगढ़ शहर दिखलाइए करके। तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेट में अपलोड कर रहा हूँ लेकिन मज़ेदार वीडियो है और पूरा सारंगढ़ सिटी आप लोगों को एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चैनल भाई लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। इवन छत्तीसगढ़ के बाहर का भी काफी कुछ व्लॉग मैं बनाने के लिए निकलने वाला हूँ। गाइस, तो यहाँ से चालू हो जाता है सारंगढ़ शहर। ये देखिए, यहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ माँ चंद्रासनी टेम्पल से वापस, और मैं आप लोगों को बोला हुआ था कि सारंगढ़ सिटी दिखलाऊंगा करके। तो ये लीजिए, देखिए सारंगढ़ सिटी, काफी बड़े बड़े यहाँ पे शोरूम है अपोलो, और यहाँ पे मैकेनिक की भी दुकान है। इवन यहाँ पे देख रहे हो दुर्गा माता भी बन रही है, ये देखो एक से एक दुर्गा माता है, बहुत प्यारी प्यारी दुर्गा माता बन रही है भाई सारंगढ़ में। ये देखो, ये यहाँ पे दुर्गा माता लेके जाते हुए, और ये भी है जेके टायर्स। देखिए, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सारंगढ़ सिटी, शहर सिटी तो नहीं है, शहर है, सिटी मतलब कि क्लीन सिटी भी नहीं है। देख रहे हो रोड यार बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। बाकी यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर से घर भी बने हुए हैं, फैक्ट्री भी है यहाँ पे कुछ कुछ, ये देखो। चलो आगे और बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो दुर्गा माता लेके जाते हुए ट्रैक्टरों में। ये देखो यहाँ पे कितने प्यारी प्यारी दुर्गा माता, हालांकि चेहरा दिख नहीं रहा है। यहाँ भी है भाई, सारंगढ़ में आने की मूर्ति बनती है भाई, अगले साल आना पड़ेगा सारंगढ़। मूर्ति भी है यहाँ पे, एक से एक मूर्ति बन रही है, देख रहे हो सब लेके जा रहे हैं दुर्गा माता जी को। ये देखो, पता ही नहीं था, अच्छा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी जानकारी हो पाए। और इस साइड जाएंगे तो शिवरी नारायण है, इस साइड जाएंगे तो यहाँ से भी महासमुंद होते हुए अपन जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इधर चलता हूँ, फिर आगे का जो सब्ज़ी मंडी है वो देखेंगे। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और यहाँ पे नाश्ता सेंटर है, ये देखो ठाकुर बिरयानी सेंटर लिखा हुआ है किड्स, और ये है सारंगढ़ का बस स्टैंड, ये देख लो। और यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, शिवरी नारायण, सरायपाली, सब जगह का बस जाती है। ये देखो सारंगढ़, महासमुंद, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये बस स्टैंड है सारंगढ़ का जो आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ, और आगे बढ़ते हैं देखते हैं, रिटर्न होते हुए भी दिखलाएंगे आप लोगों को ताकि थोड़ा प्रॉपर समझ में आएगा आप लोगों को सारंगढ़ शहर। अच्छी बड़ी सिटी है भाई, जैसे अपना विश्रामपुर है, सूरजपुर है ना, उसी कैटेगरी का है ये भी। ये कपड़े की दुकान है इस साइड में, और माता को ले जाते हुए भाई, और यहाँ पे नारियल पानी मिल जा रहा है तो नारियल पानी पी लेता हूँ मैं एक। गाइस, तो भैया के पास मैंने नारियल पानी पिया, 50 रुपये का दिया, और भैया जी से पूछ रहा था आगे यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है रायपुर 210 सरायपाली 40, ये बस स्टैंड है। तो मैं भैया से वही पूछ रहा था ये वाली रूट अच्छी है क्या, तो बोलती अच्छी तो है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार पड़ेगा, और जहाँ से मैं आया हूँ वो शॉर्टकट है यानी कि शिवरी नारायण वाला। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे होटल है रुकने के लिए, तो सारंगढ़ में आप रुक भी सकते हैं। तो वही भैया बोल रहे थे कि यहाँ से भी जा सकते हैं, रोड अच्छी बनी हुई है, बट वही है थोड़ा सा घूमकर जाना पड़ेगा क्योंकि सरायपाली होते हुए जाना पड़ेगा। तो जहाँ से आए वहीं से अपन रिटर्न होंगे। फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ सारंगढ़ सिटी शहर, नगर पालिका तुर्की तालाब सारंगढ़, SBI बैंक इस साइड में, और यहाँ पर दुर्गा माता जी का पंडाल सजा हुआ है।
क्या बात है। ये वाली रूट लेके जाती है सरायपाली, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फ़िलहाल मैं तो नहीं जाने वाला, आप लोगों को सारंगढ़ सिटी दिखला रहा हूँ। ये देखो यहाँ भी दुकानें हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फिर रिटर्न लेंगे। अभी दोपहर 1:45 हो रहे हैं और यहाँ पर है होंडा शोरूम। फटाका ही फटाका लिखा हुआ है और फटाके के भी गोदाम है साइड में। और बीएसएनएल ऑफिस। और यहाँ की दुकान चलते कि नहीं चलते पता नहीं, देख के तो लीन लग रहा है। मनसा, अभी मनसा क्या है, थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़, ऐसा करके लिखा हुआ है यहाँ पे। सरायपाली सिटी का ब्लॉग देखना है तो मुझे कमेंट करिएगा। और यहाँ पर मैकेनिक की दुकान है, मैं बोला आया हूँ तो लगे यहाँ सिटी भी दिखला देता हूँ सारंगढ़ कैसा दिखता है। बहुत लोग नहीं आ पाते हैं ना, उनके लिए ये ब्लॉग है। और यहाँ पे कुछ सरकारी क्वार्टर, अच्छा शासकीय पशु चिकित्सालय है ये सारंगढ़ का पशु चिकित्सालय है। ये है विश्राम गृह सारंगढ़, देख लो भाई। बस एक चीज़ की कमी है यार, रोड बना दो यार। देख कितना प्यारा सा घर बना हुआ था। और यहाँ पर है एक तालाब, तालाब के किनारे में क्यारी सी बस्ती। यहाँ भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, देखो तालाब किनारे में भी मंदिर बने हुए हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ से अपन रिटर्न लेते हैं। तो मैं गाइस रिटर्न ले लिया हूँ। ये है शासकीय पशु चिकित्सालय जो आप लोगों को अभी दिखला रहा था। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ का मेन मार्केट देखते हैं। मेन मार्केट किस साइड में है, ये तो खैर रोड किनारे के आइट साइड में बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगे। और बीच सड़क में गौ माता। और ये कार्यालय है, ये पुलिस थाना है सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ जिला बन गया भाई, क्या बात है। अभी नए नए जिला घोषित किए हैं ना, तो इसमें से ये भी एक जिला बन गया है। और ये होंडा शोरूम, इधर खाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे बहुत पुराने पुराने घर देखने को मिल रहे हैं साइड भी। ये ट्रक वाले भाई साहब कटर पिटीर करो तो हाल बात। इधर चलते हैं, इधर चौपाटी जैसा माहौल है। एग रोल, ये देखो गुपचुप भी मिल जा रहे हैं। यहाँ पे मैकेनिक की दुकान है और ये प्यारा सा तालाब भी है। तो शाम को और दोपहर को देख ही रहे हैं इस तरह से माहौल रहता है यहाँ पे। यहाँ पर मंदिर है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इधर भी बहुत प्यारा सा मंदिर है। चलो आगे देखा जाए। मेरा उद्देश्य यही रहता है कोई भी चीज़ ना छूटे करके, मेन मार्केट में जोड़ेगा लगता है। इधर मैकेनिक के बहुत सारे दुकानें हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है। इधर गुपचुप सेंटर कपड़े की दुकान है। अच्छा थिएटर भी है इस साइड में, कौन सी हॉलीवुड मूवी लगी हुई है भाई। और ये है बस्ती सारंगढ़, देख लो। वहाँ से भी आता तो इसी बस्ती में कनेक्ट होता। आगे एक और पंडाल सजा हुआ है, वहाँ से अपन फिर रिटर्न हो जाएंगे। अब दिखा रहे हैं तो प्रॉपर आप लोगों को दिखलाएंगे ना भाई सारंगढ़। ये देखो बस्ती, मस्जिद भी अंदर में। अच्छा बस्ती है भाई, प्यारा सा। यहाँ भी मंदिर है और सब बच्चे लोग खेल रहे थे उस साइड में। तो गाइस यहीं से मैं रिटर्न ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे बहुत प्यारा सा मंदिर है शनि महाराज जी का, देवांगन टेंट हाउस, सही है। तो यहाँ से रिटर्न लेते हैं, देन आगे वाला एरिया दिखलाते हैं आप लोगों को। दुर्गा का तैयारी हो रहा है। तो मेरा मकसद ये होता है गाइस कि हर एक चीज़ आप लोगों को घर बैठे दिखलाना, इसीलिए तो मेरे वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पे सामने में है गुप्ता होटल। देखो कोई नहीं आ पाते हैं ना, तो कम से कम घर बैठे मोबाइल में तो देख पाएंगे ना कि सारंगढ़ शहर आखिरकार दिखता कैसे। वैसे तो सब जानते हैं वही दुकान वही है, लेकिन जो तरीका होता है, रहन सहन होता है, जो माहौल होता है, वो किसे पता है कैसे होता है।
भाई लोग पानी लेके जा रहे हैं। और ये प्यारा सा तालाब है, एक तरफ से बोला जाए तो सहरंगढ़ का मरीन ड्राइव यही है, और इसी किनारे में चौपाटी, ये देखो गुपचुप सेंटर, चिल्ली रोल वगैरह वगैरह। देन फिर से अपन मेन रूट पर आ चुके हैं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती रहती है, एम्बुलेंस, ये देख लो भाई। ये तो खैर आप लोगों को मैं दिखलाते हुए आया हूँ, जाते जाते भी देख लो, काफ़ी कुछ दुकानें हैं भाई, बस रोड की कमी है। रोड अच्छी खासी बन जाए ना तो अच्छा लगेगा देखने में भी। इधर भी मैकेनिक की ही दुकान है, और कुछ कपड़े लगते की दुकान है। देवांगन, देवांगन में काफ़ी सारे होटल देखने को मिल रहे हैं। और ये वाला देखो भवानी, इधर भी सीमेंट गिट्टी की दुकान है। और ये तो खैर राइट साइड में है बस स्टैंड, पतंजलि, इधर भी है भाई पतंजलि। ये देखो यहाँ पे सब्जी की दुकान भी लगे हुए हैं, इधर फल की दुकान है, वीवो सियोमी हार्डवेयर की दुकान इस साइड में। देन इधर है वीवो रियलमी, राशन की दुकान, हार्डवेयर की दुकान। ये बस स्टैंड जो आप लोगों को अभी हाल ही में दिखलाया है, अंडा ये देखो यहाँ पे होटल है खाने पीने का। और देखते हैं यहाँ भी होटल है, होटल की कोई कमी नहीं है। ये पेट्रोल पंप है, और ये सीधा सीधा लेके जाती है सिवरी नारायण, यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाओगे तो रायगढ़ है, फ़िलहाल अपन इधर चलते हैं, इधर का एरिया देखते हैं। ये देखो काफ़ी सारे दुकान ही दुकान देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे दुकान हैं। इधर हार्डवेयर के टुल्लू पंप, सियोमी बंद है दुकान। और आगे बढ़ा जाए अशोक ज्वेलर्स, नाम ही काफ़ी है, कपड़े के, देखते जाइए आप लोग। ये एक्चुअल में सारंगढ़ का मेन मार्केट है, और मेन मार्केट में आप देखो यहाँ पे दुर्गा पंडाल भी सजा हुआ है। इधर पहले चलते हैं फिर इधर चलेंगे, साइकिल के भी दुकान है साइड में। इधर है मेडिकल, साइकिल ही साइकिल दिख रहा भाई, यहाँ के लोग साइकिल ज़्यादा चलाते हैं क्या। इधर भी कपड़े के सूरज करके लिखा हुआ है, मतलब कि कहीं से भी घुसो आप मार्केट में ही पहुँचोगे। यहाँ भी सामने में पंडाल, दुर्गा उत्सव को बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं लगते हैं यहाँ के लोग। देखो ये कितना खूबसूरत सा सजा हुआ ये, अरे वाह ढोलक बना हुआ है, ज़बरदस्त दिख रहा है ये वाला पंडाल तो। और यहाँ पे दोना पत्ता, और आगे बढ़ा जाए जय स्तंभ, मेन मार्केट यही लग रहा है पूरा, जहाँ देख रहा हूँ वहाँ पे दुकान ही दुकान देखने को मिल रहे हैं। देखो माता चुन्नी, फूल गुलदस्ते, तो आप लोगों को मैं मेन मार्केट दिखला रहा हूँ मैं सारंगढ़ का, पूरा घूम घूम कर। आगे में भी पंडाल है, इधर चलते हैं। अरे वाह एक से एक दुकान है भाई, देखो कितना बड़ा सिटी है यार, अंदर में जब घुसोगे तो ही पता चलेगा, बाहर बाहर मेन रूट से चले जाओगे तो कहाँ से पता चलेगा। अंदर में जो रोड है ये अच्छी बनी हुई है, इस तरह से मेन रूट को भी बना देता तो मज़ा आ जाता। ये सब तो आप लोगों को निकलाते हुए ही गए हूँ ये सारी दुकानें, शंकर कपड़ा मार्केट, तो यहाँ से आया था मैं, अब इधर घुसता हूँ मैं। इधर का तो मैंने दिखला दिया, इस साइड देखते हैं, अच्छी बड़ी मार्केट है यार, मतलब कि हर एक चीज़ अवेलेबल है। ये देखो राशन की दुकान है यहाँ पे, आगे में है मस्जिद,
तो उधर ना जाकर इधर चलता हूँ मैं, इधर देखता हूँ। ये देखो तालाब, सैलून, देखो इनके घर भी देखो। आगे मैं कार्यालय, तहसील कार्यालय है ये, देखो यहाँ पे तहसील कार्यालय है सारंगढ़ का। और आगे क्या देखने को मिलता है, बिड़ू इधर भी तालाब है, यानी कि सारंगढ़ में भाई तालाब ही तालाब है। मंदिर भी देख रहे हो, बहुत पुराने पुराने मंदिर देखने को मिल रहे हैं। चलो रिटर्न हो जाते हैं अपन। और मेन रोड पर चलते हैं। मुझे तो अच्छा लगा शहर, बहुत प्यारा सा शहर है, शोर शराबा भी नहीं है, एकदम शांत वाला माहौल आपको देखने को मिलेगा। जैसे गांव में लोग रहते हैं ना, हालांकि शहर है ये, लेकिन गांव वाला फीलिंग आएगा आपको, क्योंकि अभी डेवलप हो नहीं पाया है। इसको डेवलप करने में सबसे पहले तो रोड बनाना पड़ेगा इसको। जब लोग आएंगे जाएंगे यहाँ से, तभी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। वैसे लोग तो बहुत आते हैं, इधर भी चले जाते हैं, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा। यहाँ पे हार्डवेयर के, पेंट के पूरा दुकान है, बीज वगैरह भी है, यहाँ पे राशन की दुकान है, देखो ज्वेलर की भी दुकान है इस साइड में। ये देखते जाइए आप लोग, जैसे अपने सुपेला मार्केट में है ना चूड़ी लाइन, वैसे यहाँ भी हर तरह के दुकान अवेलेबल हैं। माता चुनरी, पंखे आए हुए हैं एक से एक। अंकल तो पूरा घूम कर आप लोगों को मैंने दिखलाया है। ये देखो कितना प्यारा सा ये पंडाल बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहीं से मैं गया था, अभी यहाँ से रिटर्न हो जा रहा हूँ। गाइस तो अब यहाँ से जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से रिटर्न हो रहा हूँ मैं। पूरा घूम घूम कर आप लोगों को मैं सारंगढ़ शहर दिखला रहा हूँ। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी और दिखलाने बचे हैं, अभी वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ तो कई लोग बोलेंगे अरे ख़त्म कर रहा है लड़का करके। नहीं, अभी पिक्चर बचा हुआ है। सीधा सीधा जाएंगे तो रायगढ़ के लिए है, इधर जाएंगे सरायपाली, इधर जाएंगे तो सिवरी नारायण। ये देखो यहाँ भी काफ़ी सारे दुकान हैं इस साइड भी, केले वगैरह बिक जा रहे हैं। ये देखो कपड़े की दुकान, सेकंड हैंड बाइक, क्या बात है, सेकंड हैंड बाइक भी बिक जा रहा है। चश्मे, गॉगल्स, बैग, सभी दुकानें हैं जैसे अपने सेक्टर एरिया में लगते हैं। और यहाँ भी मंदिर है प्यारा सा। और क्या रह गया है गुड़ू, और यहाँ पर है जय स्तंभ। ये देखो गुरु घासीदास पुष्प वाटिका लिखा हुआ है। श्री राम बाइक, यहाँ पे फुटपाथ पे कपड़े के दुकान लगाए हुए हैं ग्रामीण लोग। और यहाँ पे माता रानी। अच्छा मेन मार्केट तो ये है भाई सब्जी भाजी का, ये देख लो भाई। अच्छा भाई यहाँ का दिखला दिया मैं, कंबल बिक जा रहे हैं, सैंडल चप्पल सब आए हुए हैं। ये मेन मार्केट है सारंगढ़ का। ये देखो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बिक जा रहे हैं, सूपा, झाड़ू, केला, एप्पल, क्या बात है, घड़ी वड़ी भी मिल जा रहा है यहाँ पे। हाथ रे गाना चाहो चलत रहा बाड़ू। ये है सब्जी मंडी सारंगढ़ का। चलो दिखला देता हूँ सब्जी मंडी भी, टमाटर, आलू, प्याज, करेला, लौकी, देखते जाइए आप लोग भाई। पूरा दिखला रहा हूँ आप लोगों को सारंगढ़ एक ही वीडियो में। अच्छा मार्केट है, सोचो दोपहर को भी काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे।
जैसे अपना लक्ष्मी मार्केट है ना, वैसे उसी कैटेगरी का ये मार्केट है। यहाँ पे बर्तन भी बिक जा रहे हैं, देख रहे हो गुंडी वगैरह है। ये देखो दादा बर्तन बेच दे रहे हैं। भुट्टा सही लगा भाई मुझे तो ये जगह। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं है। और देखते हैं और कुछ तो नहीं छूट गया होगा, और देखते हैं और कुछ छूटा तो नहीं है। पूरा घूम घूम कर आप लोगों को सारंगढ़ दिखला रहा हूँ। सारंगढ़ रोड किनारे में भी काफ़ी सारे दुकानें हैं, देखो फुटपाथ पे। जय माता रानी। और जय काका, ये देखो यहाँ भी काफ़ी सारे दुकानें हैं कपड़े लगते के। उस साइड तो दुकान बंद है कुछ कुछ। बहुत प्यारा शहर लगा यार, बस रोड की कमी रह गई है। अभी तो ये अच्छी रोड आ गई है, बीच बीच में बहुत ख़राब रोड है। यही बार बार आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब आप आओगे तो ही आप समझ पाओगे कि क्या दिक्कत होती है। बाकी मुझे लगता है आगे में अब कुछ नहीं है। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि सारंगढ़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है। और यहाँ पे बजाज शोरूम भी है, जाते जाते देख लो बजाज TVS। ये देखो चलो भाई, और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, एक नहीं दो दो पेट्रोल पंप हो गए, एक सिटी के अंदर एक बाहर भी है। और कुछ कुछ बन ही रहा है भाई। ये देखो मैं भी डलाई लेता हूँ पेट्रोल, यार ख़त्म हो गया है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।